Hello and welcome to IBPS Winners. In this video, we are going to discuss the step-by-step study plan for IBPS RRB PO. जो regional rural bank है, उसके exams RRB नाम से जाने जाते हैं, जो कि IBPS conduct करवाता है और ये दो examinations majorly conduct करवाता है. One is for PO, which is also known as Office Scale 1, and another is Office Assistant, which is equivalent to the clerk examination in the regional rural banks. So IBPS conducts this examination generally in the August month. This year it will be conducted on 3rd and 4th August 2019. Official notification has been released and you can see it on the official website, which is ibps.in. Moving ahead to the exam pattern. Exam pattern is very simple. As per the 2018's exam pattern, there are only two sections which are asked in the prelims examination. One is quantitative aptitude, another is reasoning. So there are 40-40 questions asked from each of the sections, and there is a 5 to 6 weeks time which is given for the preparation. Like, the online application will start in June 2019, which is not far away. June already chal raha hai. जून 2019 में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे कि जो कि जुलाई 2019 तक चलेंगे. आफ्टर विच देर आर ओनली 5 to 6 वीक टाइम विच इज गिवन फॉर द प्रिपरेशन. तो इस टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये स्टडी प्लान है. आई होप आपको ये स्टडी प्लान हेल्प करेगा अपना एग्जाम क्रैक करने में. आप आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें देख सकते हैं कि कैसे आप वीक बाय वीक प्रिपरेशन करें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एरर होने के चांसेस काफ़ी कुछ रिड्यूस हो जाते हैं. बट देयर इज़ वन ड्रॉबैक दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लाइक देयर इज अ हाइप क्रिएटेड अबाउट मैथमेटिक्स और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. बहुत सारे स्टूडेंट 11th 12th में ऑप्ट नहीं करते हैं साइंस या फिर कॉमर्स को, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिस विल बी अ रॉन्ग डिसीजन फॉर दैम, क्योंकि उनकी मैथ्स वीक है. तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का जो डर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से लोग ऑप्ट नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट को. और IBPS एग्जामिनेशन में भी इसी का सबसे ज़्यादा डर बैठा हुआ होता है कैंडिडेट्स के दिल में. मूविंग अहेड, देर इज अ सेफ अटेम्प्ट कि अगर आप 25 से 30 क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं, करेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो देर आर चांसेस दैट यू विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है. और अनदर थिंग इज दैट टेक कैलकुलेटेड रिस्क ओनली. ओके, सो इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट समहाउ 25 to 30 क्वेश्चंस एंड आपने सेफ अटेम्प्ट कर लिया, देन उसके बाद में टाइम अगर बचता है तो आप जानबूझकर कोई रिस्क मत लीजिए. इफ़ यू नो द आंसर, इफ़ यू आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट योर अटेम्प्ट, इफ़ यू नो द टॉपिक, यू नो द कॉन्सेप्ट, ओनली देन यू शुड टेक द रिस्क. अदरवाइज प्लीज डोंट टेक द रिस्क. ऑल्सो जो शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, जो कि कई सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स है, आप लास्ट डिजिट मेथड ले लीजिए या फिर अदर शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपको सॉल्व करने के लिए बताई जाती हैं, वो ट्रिक्स तभी तक वर्क करती हैं जब तक कि सर्टेन कुछ अमाउंट ऑफ डिजिट्स पर ही वो वर्क करती हैं. तो आप उन शॉर्ट ट्रिक्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करके रिस्क मत लीजिए. इफ़ यू आर सीइंग टू मच सिमिलर ऑप्शंस, तो बेटर है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए. रादर देन अटेम्प्टिंग अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट्स गुड टू हैव 2 or 3 राइट क्वेश्चन अटेम्प्टेड. राइट, तो आपके जो अटेम्प्टेड मार्क्स हैं उसमें से भी 0.33 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया. तो दैट्स वाई वी आर सजेस्टिंग यू ओनली कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए. ओके, दिस सेगमेंट को एस करने के लिए यू हैव ओनली वन ट्रिक, विच इज एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल्स टू सक्सेस. स्पीड कांट कम विद ऑल द कन्वेंशनल मैथड, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ कन्वेंशनल मैथड लाइक टेकिंग द पेन पेपर एंड सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप, वेन यू आर गोइंग टू लूज मच ऑफ द टाइम एंड देर इज नॉट मच टाइम टू असाइन इन दिस पेपर. आपके पास 40 क्वेश्चन हैं और दोनों सेगमेंट में 40-40 क्वेश्चन है, इक्वल टू 80 क्वेश्चन, एंड आपके पास गिवन टाइम है ओनली 60 मिनट्स. तो आपको और कट ऑफ जाती है बहुत ही हाई, तो कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है कि कट ऑफ क्रैक करने के लिए कम से कम टाइम यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देना है. फॉर दिस यू नीड टू नो सम शॉर्ट ट्रिक्स, यू नीड टू हैव एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ इन योर हेड. सो वीक 1 की प्रिपरेशन फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इज
that you have to start with the basics. The basic concept से start करने की सबसे बड़ी benefit आपको ये होती है कि आगे के topics easy लगने लगता है. Mathematics का सबसे बड़ा डर इस वजह से होता है कि आप easy से difficult की तरफ बढ़ने की बजाय difficult से easy की तरफ अगर जाएंगे तो आपको वो topics बहुत ही ज़्यादा time taking लगेंगे और आपकी accuracy वो नहीं आ पाएगी जिससे कि आपका confidence build up नहीं हो पाता. तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपके लिए ये है कि आप इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे रादर देन कि गोइंग टू रैंडमली पिकिंग टॉपिक. रादर देन पिकिंग रैंडमली यू हैव टू गो फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट. तो इसी अकॉर्डिंग हमने हमारा ये प्रिपरेशन प्लान आपको बताया है. नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए. इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन IBPS में नहीं आते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 2 क्वेश्चन वो भी मिसलेनियस में आते हैं. तो आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है लेकिन ये आपको आगे के टॉपिक्स में बहुत हेल्प करेगा इसलिए आपको इससे ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सेकेंड आप ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. एज आप नंबर सिस्टम से वाकिफ हो जाएंगे और जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि एलजेब्रा में होते हैं यानी कि पॉजिटिव ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो इन सब को जानने के बाद आपके लिए अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन सबसे ईजी टॉपिक होंगे जिन्हें आप क्रैक करें. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंस ये है कि अप्रॉक्सीमेशन में आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना होता है नियर बाय उस डिजिट के, और सिंप्लीफिकेशन में आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है. ठीक है, आपको 5 गिवन ऑप्शंस होते हैं जो कि काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते ही दिखते हैं बट आपको उनमें से करेक्ट आंसर बताना है. अप्रॉक्सीमेशन मेरे अकॉर्डिंग लेस टाइम टेकिंग है और सिंप्लीफिकेशन फिर भी थोड़ा सा हायर टाइम टेकिंग है, बट ये दोनों के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जनरली IBPS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जनरली PO लेवल एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस होते ही होते हैं. अदरवाइज इसे किसी और सेगमेंट से भी रिप्लेस किया जा सकता है लेकिन जनरली ये 5 नंबर का मार्क्स आपके फिक्स कर देता है, इसलिए इस टॉपिक को आप सेकेंड प्रायोरिटी पर लेंगे. सेकेंडली आप इसको लीजिए. ठीक है, मूविंग अहेड टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ डिविजिबिलिटी HCF LCM. डिविजिबिलिटी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ये टॉपिक समझाया जाता है. इसमें HCF, LCM और काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाते हैं. अब ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन IBPS एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें जो HCF और LCM और साथ में फैक्टर्स और जो चीज़ें आपको समझाई जाती है डिविजिबिलिटी में वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनाने में हेल्प करती हैं. तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. मुड़ते हैं हम अपने week 2 की तरफ. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें टाइम कितना देना है. नंबर सिस्टम में आप 1 to 2 days असाइन कर सकते हैं, 1 to 2 days असाइन कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए आप इसको असाइन कर सकते हैं 3 days. एंड डिविजिबिलिटी और LCM HCF को आप रिमेनिंग टाइम असाइन कर सकते हैं. week 2 के प्रिपरेशन के लिए हमने आपको असाइन किए हैं 3 topics, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो एंड पार्टनरशिप. इन 3 topics को, ये जो 3 topics हैं ये डिराइव्ड हैं आपके week 1 की प्रिपरेशन वाले टॉपिक से. परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज से ही होते हैं या इससे डिराइव टॉपिक से ही होते हैं. परसेंटेज आपके लिए बेसिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IBPS एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. इससे रिलेटेड 5 to 15 क्वेश्चंस ईच ईयर IBPS RRB पेपर में आते हैं. जो इसके डिराइव टॉपिक हैं उसमें DI है या फिर जो भी रेशियो, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन सब में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आता है. एवरेज एंड रेशियो अगेन पार्टनरशिप में यूज़ होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक. एवरेज और रेशियो से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन या वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम में 3 to 4 क्वेश्चंस हमें हर ईयर बनते हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक से बनते हैं. पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जनरली 1 to 2 होते हैं, इसलिए आपको सेकेंड वीक में इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है. अगेन अगर आपको टाइम असाइन करने की बात आती है तो परसेंटेज को आप 3 to 4 दिन असाइन कीजिए. देन एवरेज और रेशियो थोड़ा सा सिंपलर टॉपिक है. अगर आप परसेंटेज के बाद इसको पढ़ते हैं तो आपको इसको 2 days असाइन करने की ज़रूरत है और पार्टनरशिप आप 1 day में कंप्लीट कर सकते हैं.
मूविंग टू आर वीक थ्री, वीक थ्री के प्रिपरेशन के लिए हमने आपको तीन टॉपिक्स असाइन किए हैं जो कि हैं मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन से बनता है। मोस्टली इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन से ही बनते हैं। तो आपको इन दो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इस टॉपिक को कवर करने में अराउंड 3 to 4 days चाहिए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक के लिए आपको मोस्टली परसेंटेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आपको कवर करने के लिए 2 दिन की ज़रूरत होगी। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कम्प्लीटली परसेंटेज पे ही बेस्ड है, इसको कवर करने के लिए आपको अगेन 2 या 1 दिन की ज़रूरत होगी। तो आपकी वीक थ्री की प्रिपरेशन इन तीन टॉपिक्स से हो जाती है। देखिए और भी अदर टॉपिक्स हैं लेकिन हम उन्हें कवर करते हुए नहीं चल रहे हैं क्योंकि हम हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को ही फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं। और कई सारे टॉपिक्स हैं जो एसएससी और अदर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट आईबीपीएस में पूछे नहीं जाते, तो उन टॉपिक्स को फिलहाल हम इससे ऑमिट करके चलेंगे अपने स्टडी प्लान से। तो हम अपने वीक फोर की तरफ मूव करते हैं। वीक फोर की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करें क्योंकि इससे रिलेटेड एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। अदरवाइज मिसलेनियस में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। और अगर हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर ईयर एग्जामिनेशन में होते हैं। स्ट्रीम और बोर्ड से रिलेटेड भी 1 to 2 क्वेश्चन हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को जरूर अपना प्रिपेयर करते हुए चलना है। टाइम अगेन आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तीनों को आप 2-2 दिन देते हुए चल सकते हैं। तो 2 days की प्रिपरेशन थर्ड टॉपिक के लिए सफिशियंट होगी। वीकेंड को आप रिविजन के लिए यूज में ले सकते हैं। वीक फोर की प्रिपरेशन के लिए मेंजुरेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक साथ रखी है। ऑल्दो ये टॉपिक्स बहुत ही डिफरेंट हैं, लाइक दे आर पोल्स अपार्ट, बट हमने इन दोनों को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस एनी टॉपिक इन वीक फोर प्रिपरेशन। आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से इस वक्त तक बिल्ड हो चुके होंगे और ये टाइम है कि सबसे ज़्यादा आप बेनिफिट रीप करें इस अपनी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी फॉर्म का। मेंजुरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट मिसलेनियस में 1 question इससे रिलेटेड जनरली आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर ईयर 5 questions पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप मेंजुरेशन के साथ समअप करके चल सकते हैं क्योंकि अगर आप इन दोनों टॉपिक्स के साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देने को मिल सकता है और मेंजुरेशन को आप रफली रीड कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 15 to 10 questions होते हैं हर ईयर, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी टॉपिक पे देना है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी प्रिपरेशन का मोर देन हाफ पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। 10 to 15 questions ईच ईयर इससे पूछे जाते हैं। अब इसमें 3 types के questions होते हैं, टेबल, पाइप और कैसलेट। तो टेबल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें आपको कुछ डेटा प्रोवाइडेड होता है जिससे आपको उस प्रोवाइडेड डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोस्टली इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। 5 questions का एक सेट से आपके 5 questions बनते हैं। जनरली एक जो भी टेबल होगी उसके डेटा पे बेस्ड आपके 5 questions होते हैं। कैसलेट जो है वो 2 types के जो डेटाज हैं उनका मिक्सचर होता है। जनरली पाई और टेबल, इन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब पाई या फिर बार चार्ट आपको दिया हुआ होता है, उसके साथ में कुछ नंबर्स दिए होते हैं जिनके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और कैसलेट के बारे में हम बता चुके हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ 2 or 3 charts। मूविंग अहेड टू नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के हर ईयर 5 questions जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको प्रिपेयर करना है वीक 4 के लास्ट में क्योंकि ये किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, बट जो नंबर सिस्टम या आप इनिशियल अपने कॉन्सेप्ट रीड करेंगे तो उसमें आप जो क्यूब या फिर स्क्वायर्स रीड करते हैं किसी भी नंबर का,
उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कई बार नंबर सीरीज जो है वो उन पे बेस्ड आती है। आपको नंबर्स की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वीक 5 की प्रिपरेशन हमने बहुत सिंपल रखी है, क्योंकि अभी तक आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो अब आपके लिए वक्त है कि आप मॉक टेस्ट या फिर क्विजेस अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दें। आप चाहें तो मॉक टेस्ट पहले वाले वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 3rd और 4th week से आप अपनी प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के साथ रख सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद अपने मॉक टेस्ट लेने स्टार्ट करें। तो आपको एटलीस्ट 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट जो होंगी, जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन हैं, वो आपको लेते हुए चलना है। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को आप डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन वाइज क्विज जो होते हैं, यानी कि केवल क्वांटिटेटिव से रिलेटेड जो पेपर्स होंगे उसमें 40 क्वेश्चंस ही होंगे, जैसा कि मेन एग्जामिनेशन में आपके होते हैं। प्रीलिम्स के जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट बनाए गए होते हैं। वेरियस वेबसाइट्स पे अलग अलग टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 क्वांटिटेटिव के लेने हैं, ताकि आपको अपनी टॉपिक से रिलेटेड अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का अंदाज़ा हो जाए। इसके अलावा टॉपिक वाइज जो क्विज हैं, यानी कि आप अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि DI, नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सीमेशन, इन टॉपिक्स को लेते हुए आप अपना टॉपिक वाइज क्विज ले सकते हैं, या जो भी आपकी वीकर सेगमेंट्स हैं जो आप मॉक टेस्ट या सेक्शन वाइज क्विज में निकल के आते हैं, उनको देख के अपने टॉपिक वाइज क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी वीक 5 प्रिपरेशन, यानी 35 days की प्रिपरेशन जो है वो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की खत्म हो सकती है RRB PO के लिए। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि हमारे अगला जो सेक्शन है रीजनिंग, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब इसमें आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें स्पीड आप अटेंड कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस के साथ। अगर आप रीजनिंग को कुछ दिन कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, 10 to 15 days, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। तो आप रीजनिंग की स्टडी प्लान को फटाफट से अपनी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें आपके लिए ये बेनिफिट है कि इसका लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है। ये अगर एक 10th to 12th लेवल का स्टूडेंट इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकता है, तो आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं कि इसका लेवल ईजी से मॉडरेट ही होता है। इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन जो है इस सेगमेंट में, वो बहुत ही इजी लेवल के पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे आने वाले अपने वीकली प्लान में आपको उन टॉपिक्स को मैं मार्क करवा दूंगी। बढ़ते अपने अगले की तरफ, इसके जो सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इजी होता है, ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी है, इसलिए 30 to 35 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए। और अनदर थिंग जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसका सिलेबस आप कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो उसका सिलेबस इतना डाइवर्स है कि आप चाहकर भी पूरा कवर नहीं कर सकते, आप चाहकर भी सारे टॉपिक्स को मास्टर नहीं कर सकते, बट इसमें आप सिलेबस पूरा कवर कर सकते हैं। और जो फाइनल चीज़ है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस सेगमेंट एज वेल। मूविंग टू आवर वीक 1 स्टडी प्लान, आप स्टार्ट कीजिए सीरीज से, जो कि अल्फ़ाबेट या नंबर सीरीज दोनों हो सकती है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी RRB के जो पेपर्स थे। इनिशियल स्लॉट के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ सीरीज। सो आपको अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक तीनों टाइप की जो सीरीज हैं उनको मास्टर करते हुए चलना है। इसके लिए आपको 2 to 3 days भी देने पड़े तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पुट अप होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर में। मूविंग अहेड टू द रैंकिंग एंड सीक्वेंस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन RRB PO, बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक देर आर सेवरल क्वेश्चंस विच आर डिराइव्ड इन द अपकमिंग टॉपिक्स एज वेल। तो आपको इसमें से 5 to 7 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं हर ईयर इस एग्जामिनेशन में। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मिनिमम होते ही हैं हर ईयर एग्जामिनेशन में, तो आप अकॉर्डिंगली अपना वीक वाइज डेज अलॉट कर सकते हैं कि आपको कितने दिन प्रिपरेशन करनी है। बट ब्लड रिलेशन मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी टॉपिक है, तो इट कैन बी कवर्ड इन 1 day एज वेल। बट फॉर मास्टरिंग द टॉपिक गुड इनफ यू कैन असाइन 2 to 3 days ऑल्सो। मूविंग टू आर वीक 2 प्रिपरेशन, देर इज डायरेक्शन सेंस,
distance related question, sitting arrangement, which is linear and circular both, and input output questions. Input output questions are related to machine input output, that if you enter one string into machine, if you enter following words into a machine and input is this and output is that, then you will be asked to create more such input outputs from the given questions. Isse related at least 5 se 7 question puche जाते हैं हर ईयर एग्जामिनेशन में. सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेगमेंट है, इसके 15 से 20 मार्क मिनिमम है. यानी कि जैसा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक था डाटा इंटरप्रिटेशन, उसी तरीके से इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है. सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल बोथ आर डिफरेंट, बट सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी किए जाते हैं, एटलीस्ट 10 तो होते ही हैं. तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी है. डायरेक्शन सेंस की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं, चाहे वो एक ही सेट में हो चाहे वो अलग अलग सेट से हो. तो डायरेक्शन सेंस को भी आपको रीड करना है. आगे बढ़ते हैं, हम इन टॉपिक्स के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे. जो पजल है, पजल बहुत टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि बॉक्स रिलेटेड पजल, 2, 3, 4 वेरिएबल रिलेटेड पजल. अब 2, 3, 4 वेरिएबल्स में ये होता है कि आपको कुछ मिसिंग डिटेल्स दी जाती है अपने गिवन क्वेश्चंस में, जैसे कि कुछ अपार्टमेंट हैं उसमें रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की प्रेफरेंस, उन लोगों का प्रेफर्ड स्पोर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स असाइन किए हुए होते हैं. जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐड होते जाएंगे उतना डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ता जाता है. हालांकि नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस. तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 15 से 20 एवरी ईयर इन द एग्जामिनेशन. तो ये आपका बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी यही होता है. अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, आप डाटा इंटरप्रेट करने में या फिर जो पजल्स हैं उनको सेट करने में अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपके लाइन से 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. मूविंग टू सिलोजिज्म द नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड हर ईयर 5 क्वेश्चंस मिनिमम होते हैं पेपर में, और ये टॉपिक आपका काफ़ी स्कोरिंग है और ईजी भी है. तो आप इस टॉपिक को चाहे तो स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक पे बेस्ड नहीं है, तो इसकी नॉलेज आपको केवल इसी टॉपिक को पढ़ के होने वाली है. इसके साथ में आपको एक वैन डायग्राम रिलेटेड टॉपिक जो है वो भी पढ़ना चाहिए कि वो कैसे बनते हैं. तो उसके बेसिक्स क्लियर करके आप सिलोजिज्म पे बढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसके अलावा इनइक्वालिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड समथिंग इज लेसर देन आर और इक्वल्स टू एस, इस तरीके की कुछ इक्वेशन आपको दी जाती है जिससे रिलेटेड आपको, और बहुत सारे उसमें नंबर्स दिए जाते हैं आपको, पी क्यू आर एस टी यू वी और एनीथिंग फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, और उनके बीच में कुछ साइंस दिए होते हैं जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन. उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस हैं गिवन उनमें स्टेटमेंट 1 और 2 होता है, उनको आंसर करना होता है कि विच वन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन. तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए. इससे रिलेटेड आपके एट लिस्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो हर ईयर एग्जाम में आते ही आते हैं. इसी के लिए आप इनकी प्रिपरेशन में भी इक्वल टाइम असाइन कर सकते हैं, पजल्स को थोड़ा ज़्यादा दीजिए और ये दोनों टॉपिक्स 2 डेज में कवर्ड हो सकते हैं. मूविंग टू आर नेक्स्ट वीक प्रिपरेशन, फॉर द नेक्स्ट वीक यू कैन टेक कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज एंड सिक्वेंस. कोडिंग डिकोडिंग इज अबाउट आपको कुछ गिवन इंग्लिश में एक सेंटेंस होगा और उसी के रिलेटेड उसमें जो वर्ड्स हैं उन्हीं से रिलेटेड एक डिकोड करने का तरीका दिया गया होगा कि जैसे उससे रिलेटेड कुछ कोड है, आपको उन कोड्स को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग जो गिवन क्वेश्चंस हैं 4 से 5 या 3 से 5 उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर ईयर पूछा ही जाता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है. इसके अलावा सीरीज एंड सीक्वेंस, एक गिवन लाइन होती है और उसमें जो सीक्वेंस है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका रैंकिंग ऑर्डर है, उन सब के से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो आपको ये वाला, इसमें आपको 2 से 5 क्वेश्चंस हर ईयर पूछे जाते हैं, आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत ध्यान से कवर करना है. Moving ahead to our week 4 plan. The week 3 plan has more questions. If you want, you can shift the week 3 plan's topics to week 2 or week 4.
एज वेल। अब वीक फोर हमने पूरा, क्योंकि मैं एज आई टोल्ड कि 15 से 20 क्वेश्चन पजल्स से ही आते हैं, तो वीक फोर हमने पूरी तरीके से पजल्स को ही असाइन कर दिया है। आप चाहें तो इसके साथ में अपने वीक थ्री के जो लास्ट टू टॉपिक्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पजल में डबल लाइन, लाइक देर विल बी टू लाइन्स स्टैंडिंग आइदर हेडिंग टू द नॉर्थ और फेसिंग टू द साउथ। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन आपको बता दी जाएंगी कि कौन कहाँ खड़ा है, किस तरीके से फेस कर रहा है, और आप उसको उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट पूछे जाते हैं, और जनरली डबल लाइन क्वेश्चन आरआरबी पीओ में आते नहीं हैं, बट फिर भी आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा टीम फॉर्मेशन क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ये भी पजल्स के अंडर ही आते हैं कि एक गिवन सेट ऑफ डेटा आपको दिया जाता है कि फॉलोइंग स्पोर्ट है और 5 पर्सन हैं, उसमें 5 या 7 और 8 पर्सन हैं, और उन पर्सन की रिलेटेड कुछ प्रेफरेंसेस हैं कलर में, या फिर उनकी फेवरेट स्पोर्ट में, या फिर वो बिल्डिंग में किस लोकेशन पर रहते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी टीम फॉर्मेट करनी है। इसके अलावा सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें या तो सारे मेम्बर्स सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं या सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, और थर्ड सिचुएशन में आइदर अंदर देख कुछ अंदर की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग लोगों की पोजीशंस प्लेस करके बतानी होती है। 5 से 8 पर्सन से रिलेटेड सर्कुलर अरेंजमेंट जनरली पूछा जाता है, और इसके 5 क्वेश्चंस हर ईयर मिनिमम होते ही हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करने का चांस दिया है हमने वीक 4 के स्टडी प्लान में। आप इसके साथ में वीक 3 के जो लास्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग एंड चाहे तो इनइक्वालिटी भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द वीक 5 प्रिपरेशन, अगेन हमने जैसा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ऑफर किया था, 5 मॉक्स लीजिए, 5 सेक्शनल क्विज लीजिए, और टॉपिक वाइज 20 एटलीस्ट क्विजेस लीजिए, या जो भी आपके वीकर सेगमेंट हैं या स्ट्रॉन्ग सेगमेंट हैं उनको और अच्छा करने के लिए ये क्विजेस आपको हेल्प कर सकती हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस बता देते हैं कि रीजनिंग की कट ऑफ और क्वांटिटेटिव की कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी। तो रीजनिंग की कट ऑफ लास्ट ईयर वैसे स्टेट वाइज वेरी करता है, क्योंकि आपने जिस स्टेट से रीजनल रूरल बैंक का एग्ज़ाम फिल किया है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट और कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ वेरी करती है। लेकिन जो रीजनिंग की कट ऑफ थी वो 25 प्लस रही थी मोस्ट ऑफ स्टेट्स में, जैसे कि यूपी, राजस्थान, बिहार, ETC। एंड क्वांटिटेटिव की जो कट ऑफ होती है वो भी जनरली इसी लेवल की रहती है, 25 to 27। ऑल दो रीजनिंग की कट ऑफ हमेशा थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो आई कैंट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट कट ऑफ, बट बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो एग्जैक्ट प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो दे रखी है। रीजनिंग की कट ऑफ ज़्यादा होती है प्रीलिम्स में, और क्वांटिटेटिव की रिलेटिवली थोड़ी सी लोअर रहती है, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी फियर होता है और लोग इतना ईजीली क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो कुछ कम नंबर ही हो पाते हैं लोगों के। बट इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हायर रहती है अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें, और इसको अपीयर होने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं कि आप ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 एग्ज़ाम दोनों में अपीयर हो सकते हैं एक साथ, लेकिन आप इसके अलावा स्केल 1 में अगर अपीयर हो रहे हैं और OA में अगर अपीयर हो रहे हैं, तो आप स्केल 1 के लोग स्पेशली 2 और 3 वाले में अपीयर नहीं हो सकते, चाहे आप उसकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हो तो भी, क्योंकि एग्जामिनेशन सेम डे पे कंडक्ट होते हैं और वो कैंडिडेट्स अकोमोडेट नहीं किए जा सकते, टाइमिंग्स उनकी अकोमोडेट नहीं की जा सकती, दैट्स वाई। और इसके अलावा अब मैं आपको वापस से डू और डाई टॉपिक्स जो हैं इनको तो करो या मरो टॉपिक्स कह सकते हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। रीजनिंग में आप इनइक्वालिटी 5 मार्क्स, सिटिंग अरेंजमेंट 20 मार्क्स, डायरेक्शन सेंस 3 to 5 मार्क्स, सीरीज 2 to 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स, एंड सिलोजिज्म 5 मार्क्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट, इनको आप लेके चल सकते हैं, ये टॉपिक्स आपके हाईएस्ट इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। चाहे तो आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं अपने साथ। हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हम लोग ने जो आपको टॉपिक्स असाइन किए हैं वो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स, नंबर सीरीज जो कि 5 मार्क्स की हर ईयर पूछी ही जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स हर ईयर आता है, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम और मिसलेनियस दोनों कह सकते हैं आप। वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम पाइप सिस्टर्न, SI CI से रिलेटेड या एज रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम्स में कंसिडर किए जाते हैं।
और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जो कि 5 मार्क्स के आते हैं और अप्रोक्सीमेशन 5 मार्क्स जनरली होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अप्रोक्सीमेशन में से कोई एक ही पूछा जाता है तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम रीजनिंग में बात करें तो समटाइम्स इट हैपन्स इन रीजनिंग एज वेल कि सिलोजिज्म नहीं आता है या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थोड़े कम आ जाते हैं तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के 20 से 15 मार्क्स हर ईयर रहते ही हैं तो आप इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आगे आप किन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि EPFO या आने वाले IBPS PO, IBPS क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उन एग्जाम्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन जनरली 1 to 2 आवर्स में आंसर कर देते हैं।